प्रधानमंत्री आवास लगभग 4,500 लोगों के। ये है मकान, ये जो पन्नी लगी हुई है जिस मकान में आप देख सकते हैं। हाँ, अभी तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं, लेकिन क्षेत्र के लोग खुश हैं क्योंकि एक हट्टी 4,500 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे तो लोगों में उत्साह है। ये था राहतगढ़ जिसकी बात मैं कर रहा था कि किस तरह से राहतगढ़ को गोविंद सिंह राजपूत ने आफतगढ़ बना रखा था। और मैं उन्हीं का नाम लूंगा क्योंकि अगर आप विधायक बनते हैं, कोई भी नेता है अगर विधायक बनता है और उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं होता, उसके क्षेत्र के अगर लोग परेशान है, तो अवश्य बात है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विधायक की ही जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि की ही जिम्मेदारी है। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार होगा, विधायक ईमानदार होगा, तो अपने आप बाकी जो भी शासन प्रशासन के लोग तहसील या विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे। अगर मालिक ईमानदार होगा, बॉस ईमानदार होगा, तो पूरी की पूरी टीम भी ईमानदार होती है। टीम को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मालिक गुस्सा हो जाए, नेता गुस्सा हो जाए। और एक विधायक अगर गुस्सा हो गया, खासकर उसके ऊपर जिसने गलती की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, तो उस कर्मचारी का, उस व्यक्ति का, उसको कोई कोई नहीं बचा सकता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो राहतगढ़ की परेशानी शुरू हुई है, राहतगढ़ आफतगढ़ में बदला है, उसमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है। हालांकि आनंद फानंद में पिछले एक साल से राहतगढ़ के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि काफी कुछ काम हुआ है, मकान भी काफी लोगों को मिले हैं। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय द खबरदार न्यूज को जाता है, क्योंकि राहतगढ़ में द खबरदार न्यूज ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की, कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग की, राहतगढ़ की परेशानियों को रखा, हमने राहतगढ़ में रह के लाइव चलाया, ये सब करने के बाद आज की डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है राहतगढ़। क्या कहते हो अनुपम? निश्चित तौर पर जब हमने तो उस स्थिति में जब हम जाकर के हमने वहां पर देखा तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ दिखाई दिया। और जैसा कि अभी आपने बताया कि वर्तमान समय में वहां गोविंद सिंह राजपूत जी मौजूदा विधायक, हम उनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हम राहतगढ़ को भी इस विचार में से सारा जिले के बड़े नेता जो भी राजनीतिक परिदृश्य होता है तो उसमें गोविंद सिंह राजपूत जी का एक अहम योगदान यहाँ पर रहता है। जब हमने वहां पर दौरा किया था तो हमने अपने दौरे में ये पाया था कि भले ही गोविंद सिंह राजपूत एक प्रदेश के बड़े नेता माने जाते, भले ही वो परिवहन मंत्री रहे पूर्व में मध्य प्रदेश शासन में, और तेलिया जी के कांग्रेस में जाने के उपरांत वो भी भाजपा में चले, तो उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे तो उपचुनावों में भी उनको दोबारा जीत कहीं रहते, जनता ने एक बार जनता को तय करना है, जनता तय करनी थी। अब राजपूत जनता के जो प्रयास रहते हैं, जनता जो आता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी उनको मिनिस्ट्री गोविंद सिंह राजपूत को मिली हुई है, इसके बाद भी वो अपने क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाए जो एक सामान्य से विधायक कर देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहतगढ़ इतना बड़ा भी नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता था, लेकिन पूरे 5 साल लोग परेशान रहे और अब अंतिम में कुछ काम हुआ है, जैसा कि मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में लगभग पिछले 1 साल से काफी कुछ काम हुआ है। और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में राहतगढ़ और सुरखी विधानसभा चुनाव का भी थोड़ा सा कायाकल्प हुआ है,
लेकिन 5 साल लोग परेशान रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए, बुनियादी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए, उनको उनको पाने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। राहतगढ़ के लोगों को अगर हम बात करें तो पूरा देश गवर्नमेंट के हिसाब से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से, पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका था। जब हम राहतगढ़ गए थे उससे 2-3 साल पहले ही हमारे देश की सरकार ने भारत देश को खुले में शौच से मुक्त कर दिया था, घोषित कर दिया था। उसके बावजूद भी हमने राहतगढ़ में जितने भी कवरेज किए हैं उसमें 90% लोगों के घर में शौचालय नहीं थे, लोगों के घर में शौचालय नहीं थे। आवास योजना का तो आप नाम ही मत लो, आवास योजना उनको मिल रहा था जिनके ऑलरेडी एक पक्का मकान है। डबल मंजिल बनवाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था, आवास योजना का लाभ दिया जा रहा था। और इन सब वजहों से देखा जाए, कई ऐसे इलाके थे जहां हमारे मुस्लिम भाई थे, वहां पर रोड नहीं बन पा रही थी, रोड की बड़ी समस्या थी। और वो लोग आरोप लगा रहे थे कि जब हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग क्या समझे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए विकास कर रही है कि विनाश कर रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म के व्यक्ति का कहना नहीं था, बल्कि मेजॉरिटी आप जो गरीब थे उनका ये कहना था। और राहतगढ़ में इतनी गंदगी थी, इतनी, आप कहीं भी चले जाओ राहतगढ़ में आपको भयंकर गंदगी मिलेगी। पता नहीं भारत, स्वच्छ भारत अभियान को जैसे बर्बाद करने का ठेका गोविंद सिंह, सड़क बन रही थी ना कुछ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे काम किए जा रहे थे जिससे पब्लिसिटी तो मिल जाए, लेकिन ऐसे काम नहीं किए जा रहे थे जिससे आम जनमानस का भला हो, जिससे आम जनमानस के जीवन की स्थिति में सुधार आए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं राहतगढ़ में, पहले और अब की अपेक्षा में क्या बदलाव आए हैं, और ये जो वीडियो मैंने चलाई थी स्क्रीन में, क्या इन लोगों के भी मकान बन गए या ये लोग अभी भी परेशानी की हालत में ही जी रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास लगभग 4,500 लोगों के आए हैं जब अपन ने सर्वे की थी उसके बाद, लेकिन जिन लोगों का प्रयास किया शायद उनके कुछ लोगों के बन पाए हैं और कुछ लोगों के नहीं बन पाए। जैसे आपने जो दुलारी प्रेसी की खबर चलाई थी उनका आज तक नहीं बना और बगल वालों का बन गया। अगर कैमरा सामने का ऑन हो जाए तो उनका घर दिखा भी सकते हैं, पीछे वाला दिखाएं ऑन हो जाएगा। आप दिखाओ, मैं चाहता हूं कि आप दिखाओ, क्योंकि उनका घर तो गिर भी गया था और बाल बाल बचे थे वो। अभी सलमान हमारे कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं उस घर को जो घर गिर गया था, और हमने उस घर में भी बातचीत की थी, उसका भी वीडियो पोस्टेड है द खबरदार न्यूज में, और उस वीडियो की लिंक हम भेज देंगे। इसके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदिशा से हमारे साथी आशीष सहेले जी। विदिशा में काफी एक्टिव हैं और द खबरदार न्यूज के लिए शुरुआत से काम करते आए हैं, और काफी बदलाव आशीष सहेले जी के थ्रू हुआ है पत्रकारिता की वजह से। विदिशा में काफी डेवलपमेंट हुआ है, काफी लोगों को मकान, आवास, शौचालय, ये सब सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आशीष सहेले जी का। पर इससे पहले मैं सलमान को फिर से लाइन में लेता हूं और राहतगढ़ के बारे में बात करते हैं। सलमान जी सर, दिखाओ वो मकान अगर दिखा सकते हो तो। तो हम इस मकान की बात कर रहे हैं, इस मकान में हम गए थे, ये मकान एक बार अच्छे से दिखाओ सलमान। ये है मकान, ये जो पन्नी लगी हुई है जिस मकान में, आप देख सकते हैं काली पन्नी लगी हुई है, इस मकान की बात कर रहे हैं हम लोग। यह मकान, ये व्यक्ति पता नहीं कितनी बार 181 में इसने
फोन करके शिकायत किया, पता नहीं कितनी बार ये राहतगढ़ के जो नगर निगम का ऑफिस है उसमें जाकर इसने शिकायत दर्ज करवाई। हमारे साथ भी ये व्यक्ति गया था और इसके बारे में जो सीईओ थे उनका कहना था कि बहुत जल्दी इनको मिल जाएगा। उस वक्त कुछ सरकारी परेशानी थी सरकारी ऑफिसेस में, जिससे आवास योजना का जो स्कीम थी उसमें कुछ ग्रहण लगा हुआ था और हमसे वादा किया गया था कि सबसे पहले इन्हीं को मकान मिलेगा और आज तक इनको मकान नहीं मिला। क्या कहोगे सलमान, क्या वजह है कि इनको नहीं मिला, इनके पड़ोसी को मिल गया? शायद सर वजह इसकी ये हो सकती है, लगातार मैंने इस खबर को चलाया, शायद अधिकारी और नेतागण उस खबर से चिड़े, जिसके कारण उसका भुगत इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। इनके ही बाजू में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनके बाजू में ही ये आवास बना है। ये प्रधानमंत्री वाला ये उनके बाद फार्म जमा किया था और इन्होंने लगभग 5 बार फार्म जमा किया, लेकिन इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। तो क्या कहोगे, क्या वाकई में गोविंद सिंह राजपूत एक अच्छे लीडर हैं जो सबका ख्याल रख सकते हैं, अगर खुल के बात की जाए तो? क्षेत्र के जो हमारे मंत्री हैं, राजस्व एवं परिवहन मंत्री, उनका तो प्रयास था कि हर गरीब को पक्का मकान बने और उन्होंने उनके प्रयास से लगभग राहतगढ़ 4,000 प्रधानमंत्री आवास पास स्वीकृत किए थे। अब इनसे नाराजगी अधिकारी की रही या नेता की, ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ नाराजगी के कारण ही इनकी प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया। तो क्या अधिकारी नेताओं से बड़े हैं, एक एक कैबिनेट मिनिस्टर से बड़े हैं राहतगढ़ के अधिकारी? क्या राजस्व एवं परिवहन मंत्री जी हैं, वो इतनी छोटी बातों पे शायद उनका ध्यान ना रहा हो। उनसे बार बार दुलारे कुरैशी ने संपर्क भी किया, मतलब उनके कार्यकर्ता जो छोटे नेता हैं उनसे कहा, लेकिन शायद उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं से भी अनसुना कर दिया हो। तो ये छोटी समस्या है, कह सकते हैं कि समस्या फिर क्या है, मतलब नेता भी मतलब करना चाहते हैं शायद भूल गए हो, ऐसा भी हो सकता है। योजनाओं का लाभ भूल गए हो तो क्या मतलब है, लेकिन योग्य लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना ये जरूरी है। कुल मिला के सरकारी योजनाओं का बंदर बांट होता है वो अभी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हो गया कि नेता किस तरह से सिर्फ अपने चहेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और वाकई में जिसको जरूरत है वो अंत्योदय की बात होती है, अंत्योदय की बात एकदम झूठी। ये चीज अभी क्लियर हो गई कि अंत्योदय से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक शब्द इनको मिल गया है जो इनके पुराने लीडर जो करते थे, जो कहते थे वो करते थे, इनको एक पुराना शब्द मिल गया है अंत्योदय, और ये इसी की बात करके और दुनिया भर के वोट हासिल करते, लोगों को बेवकूफ बनाते। गोविंद सिंह राजपूत जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के दामन में धब्बा है। और जो अपने खासी आवाज़ बात करने की तरफ बढ़ते हैं तो फिर इसके साथ इसी तरह से होता है कि 4 से 5 बार मकान के लिए आवास के लिए। अनुपम तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही है, क्या तक तो आ रही है अनुपम की आवाज? अच्छा सलमान कोई जानकारी है क्या कि सब हमने उधर झुग्गी झोपड़ी में जो रिपोर्टिंग की थी लास्ट में अंतिम में एक व्यक्ति था कुशवाहा और भी कई लोग थे, एक माता जी थी जिनको जिनकी एक आंख काम नहीं करती थी, उन सबको भी आवास योजना का लाभ मिला, शौचालय मिला कि वो अभी भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं? अभी हम अपने साथी भगवान सिंह प्रजापति वहां पर जाने का बोला है, अभी उनसे संपर्क करते हैं, वो वहां गए थे, आपने कॉल किया था उनको,
भगवान से संपर्क कर, वही मैं देखना चाहता था, लेकिन भगवान का जो है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस लाइव सेशन से जी। और तो इसी अभी वजह से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी टीम बैक एंड टीम को बोल रखा हूँ कि उनसे उनको थोड़ा सा सिखाओ कैसे कनेक्ट करना है, और वो लोग लगे हुए हैं। क्या आपके पास इसके बाद और भी कोई फोन आया कहीं से कि हमको हमारी भी आप मदद करिए, हमने देखा है कि आप गरीबों की मदद करते आए हैं जी? क्या उसके बाद भी किसी का फोन आया कि हमें आवास नहीं मिल रहा है, हमें शौचालय नहीं मिला है, हमें ये परेशानी है, आप हमारी मदद करिए? हाँ, अभी तो कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनका प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया है, लेकिन क्षेत्र के लोग खुश हैं क्योंकि 4.5 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, तो लोगों में उत्साह है और खुश है पब्लिक। जिस समय रिपोर्टिंग राजगढ़ में की थी आपने और अपनी टीम ने, उसके बाद 4.5 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। 4.5 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हमारी रिपोर्टिंग के बाद में काफी राहत गढ़ में बदलाव आया, और हम लोगों ने छोड़ा नहीं था, हम लोगों ने कंटिन्यूअसली इस मुद्दे को उठाए रखा। सड़कों में उस समय जब आए थे तो सड़कें भी बहुत खस्ता स्थिति में थी, उसके बाद पूरे नगर में सड़कों के विकास कार्य किए गए, जो भोपाल 13 से राजगढ़ बस स्टैंड तक शानदार रोड बनाई गई है और भव्य गेट भी बनाया गया है। गेट भी हाँ बना है, हाँ गेट बहुत शानदार बनाया है। जैसे अभी हमने देखा है कि लास्ट ईयर में चुनाव के टाइम में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो रोड का हो या किसी और भी सरकारी वस्तु का हुआ हो, उसमें काफी देखा जाए तो गुणवत्ता की कमी रही है, उतनी अच्छी क्वालिटी इन सब कंस्ट्रक्शन की नहीं है जो होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये 2-3 साल में ये सब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएंगे। तो क्या ऐसा ही राहतगढ़ में भी हुआ है कि राहतगढ़ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाला हुआ है? हाँ, कहीं ना कहीं क्वालिटी में कुछ तो कमी हो सकती है, लेकिन विकास कार्यों का लगातार काम शुरू था, अभी बंद हुआ है। और राहतगढ़ पोर्ट जहाँ अपनी टीम पहुंची थी, राहतगढ़ किला, वहां भी विकास कार्य चल रहा है, और राहतगढ़ वाटरफॉल का नक्शा ही बदल दिया है, नक्शा ही बदल दिया है। क्या हुआ है वाटरफॉल में? सुंदर बनाया है राहतगढ़ वाटरफॉल को। अच्छा, और किले में क्या काम चालू है राहतगढ़ के किले में? जी, राहतगढ़ के किले में क्या काम चालू है? सुंदरीकरण। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी सुंदरीकरण का काम चालू, तो वाकई में बहुत अच्छा है, घूमने लायक है, तो अगर उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है तो काफी अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा। बस स्टैंड आपका मूव हो गया क्या? बस स्टैंड आपका नया जो बस स्टैंड स्वीकृत हुआ था वो बन के ऑपरेशनल हो गया कि अभी नहीं हुआ है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कार्य प्रारंभ है। काफी टाइम हो गया, काम चल रहा है। हम लोग आए थे उस समय ही काम चालू था बस स्टैंड में। हाँ, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब उसका शुभारंभ किया गया था तो मंत्री जी ने ठेकेदार से पूछी थी, तो वो ठेकेदार बोल रहे थे 4 माह में बन के तैयार हो जाएगा, लगभग 1 साल हो गया अभी बन के तैयार नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया सलमान, जब हम आए थे हाँ, उसी समय ये हुआ था कि स्वीकृत हो गया है। हाँ, तो उस समय ठेकेदार भी बोल रहे थे कि 4 माह में हम कंप्लीट कर देंगे राहतगढ़ बस स्टैंड को, लेकिन अभी तो तक। अच्छा, मुझे कार ये बताओ सलमान की आज की स्थिति में अब लोगों की समस्याएं क्या बची हैं? जैसे चुनाव के समय में ही सही, लेकिन कुछ तो काम हुआ है, कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है, तो अब लोगों की क्या समस्याएं हैं जो अगले विधानसभा चुनाव, मतलब ये जो चुनाव है इस वक्त ये मतलब ये मायने रखता है कि अब आगे 5 साल क्या काम करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे अगले 5 साल के लिए? सागर जिले में फिलहाल में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, मतलब यहाँ के लोग यहाँ से इंदौर, भोपाल,
मतलब हजारों की संख्या में वहां काम करने जाते, तो सबसे बड़ा मुद्दा माना जाए तो बेरोजगारी है जिले में। अभी तक कोई सरकार ने ऐसा कोई बड़ा मतलब रोजगार के लिए कोई ऐसा प्लांट नहीं खोला कि आदमी रोजगार से लग सके, तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी मतलब सागर जिले में कोई काम नहीं हुआ है। रहने के लिए घर हो सकता है सरकार दे दे, शौचालय सरकार दे दे, गरीबों को खाने के लिए अनाज सरकार दे दे, ये सब चीजें फ्री में मिल रही हैं, शिक्षा मुफ्त में मिल रही है, लेकिन वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जो मुफ्त में मिल रही है सरकारी स्कूलों में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।